नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता लक्ष्मी की एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वो अथाह धन संपत्ति के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ के घर से भर गया तो वो किसी दूसरे के घर जाने को ललाहित हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा एक लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और अब मेरा घर छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? वो देवी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उचट चुका है। अब मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित करा, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती थी और अतिथियों का आदर सत्कार होता था। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगू, मेरी चार बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांगूंगा। आज तो मैं माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी चार बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी, आप माता लक्ष्मी से अन्न के गोदाम भरवा लो, ताकि अपने कभी भी खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो सेठ जी को दूसरी बहू बोली, पिताजी, इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे, अन्न खराब हो जाएगा। तो पिताजी, आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। इतने में तीसरी बहू बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरे चार महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वो थोड़े मध्यम वर्ग के परिवार की बेटी थी, पर वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी को अगर जाना है तो वो जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगी, और अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहें कि अगर वो जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरी कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ जाती है। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी वापस सेठ जी के सपने में आती हैं और पूछती हैं, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरी कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे,
ये सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता है। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ के घर में वापस विराजमान हो गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप सेठ जी के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर कृपा करना। जय लक्ष्मी माँ।